बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल खोलने के निर्देश। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल्स, थिएटर 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। 15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। मनोरंजन पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क और 15 अक्टूबर से इन्हें भी खोलने की मंजूरी। बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी 15 अक्टूबर से इजाजत। स्कूल, कॉलेजेस और दूसरे शिक्षण संस्थानों को खोलने पर 15 अक्टूबर के बाद फैसला लिया जा सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी हुई गृह मंत्रालय की ओर से, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थानों को अभी फिलहाल नहीं खोला जाएगा, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन 15 अक्टूबर से क्या कुछ खुलने जा रहा है वो भी आपको बता दें। मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, बिजनेस जो प्रदर्शनी होती है वो शुरुआत उनकी हो जाएगी, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल, ये सब खुल जाएंगे 15 अक्टूबर से। हालांकि इनकी क्षमता जो है आधी रखी जाएगी, आधी क्षमता के साथ, आधी कैपेसिटी के साथ इन सभी चीजों की शुरुआत होगी और उसके बाद शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस, स्कूल 15 अक्टूबर के बाद उन पर कोई फैसला लिया जा सकता है। बिजनेस प्रदर्शनी यानी कि ट्रेड फेयर की भी शुरुआत हो सकती है। नवंबर महीने में ट्रेड फेयर होता है, लेकिन राज्य करेंगे स्कूल खोलने की शुरुआत या फिर उस पर फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और जो चीजें बंद थी वो अब खुल जाएंगी 15 अक्टूबर से। हालांकि कंटेनमेंट जोन अभी लगभग पूरी तरीके से बंद रहेंगे, उन पर भी फैसला बाद में ही लिया जाएगा। ये बड़ी खबर। अब मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स खुल जाएंगे, मनोरंजन पार्क खुल जाएंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, अभी शिक्षण संस्थानों पर पाबंदी ही रहेगी। तो लगभग अब पूरे तरीके से देश अनलॉक होने की दिशा में। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई है 5 अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। लगभग अब सभी मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स, हालांकि अपनी आधी क्षमता के साथ यानी कि 50% क्षमता के साथ और तमाम जो गाइडलाइंस में जिन चीजों का अनुपालन करना है, स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ, ये सब 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। तो ये बड़ी राहत की खबर, जो यहां एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर, जो पिछले कई महीनों से घर बैठे हैं, रोजगार जिनका बंद पड़ा है उनके लिए भी बड़ी खबर। और बड़े पर्दे पर फिल्में देखने के आदि या शौकीन उनके लिए भी बड़ी खबर। ये 5वां दौर है अनलॉक इंडिया का और इससे फुल एंड फाइनल लगभग मान के चला जा रहा है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन छोड़कर लगभग अब सभी गतिविधियां जिन पर प्रतिबंध था वो खुलने जा रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। अभी अभी कुछ देर पहले गृह मंत्रालय ने अनलॉक इंडिया 5 की गाइडलाइंस इसे साझा किया है। तो मार्च मध्य से लॉकडाउन इंडिया हुआ और उसके बाद अगले 3 महीनों तक लगभग सब कुछ बंद रहा, लेकिन उसके बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 और अब अनलॉक 5।